बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संविधानिक भिक्षु संघ की ओर से आगामी 26 दिसंबर से शहर के दीक्षा भूमि परिसर में 3 दिवसीय परिषद का आयोजन किया गया है। बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संविधानिक भिक्षु संघ की ओर से आयोजित इस परिषद में 18 विदेशी और हजारों भारत के भिक्षु शामिल होंगे। इस परिषद में विविध विषयों पर चर्चा की जाएगी। दीक्षा भूमि में संज्ञान परिषद की एक बैठक हुई थी जिसमें 90 भिक्षुओं ने भाग लिया था। वर्तमान समय में हमारे देश में विभिन्न प्रांतों से मेरे पास सूचना आती है, भद्दे जी कई भिक्षु इस तरह से सूत्र पाठ करते हैं, कई भद्दे इस तरीके से विवाह संस्कार कराते हैं, कई ऐसा क्यों है। मेरा कहना उनसे ये है कि जो भी भिक्षु बने हैं या जो भिक्षु बन कर के आ रहे हैं, सर्वप्रथम उसको भिक्षु का मतलब क्या है, उसका बुद्ध दर्शन क्या है। अगर वो उससे अनभिज्ञ है तो वो सही ढंग से बुद्ध के दर्शन को प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि भिक्षु जो बन रहा है, क्यों बन रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, अगर कारण को हम नहीं समझ पाएंगे और वो यदि बन जाएगा तो आधुनिक समय में जो है मोस्टली लोग जो धर्म आचार है वो धर्मों का व्यापारीकरण कर रहे हैं, जबकि धर्म का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने ये विचार किया कि सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षुओं का एक संगायन होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सम्राट अशोक के शासनकाल में बहुत सारे भिक्षु ऐसे बढ़ गए थे जिससे शासन पर बोझ बढ़ रहा था। लोगों ने उनसे शिकायत की कि बहुत सारे भिक्षु हो गए हैं, तो संज्ञान परिषद की एक बैठक हुई, अधिवेशन हुआ, उसमें बड़े बड़े महात्माओं को बुलाया गया और 60,000 ऐसे लोगों के कपड़े उतारे गए जो सही ढंग से धर्म का उत्तर नहीं दे सके। उसके बाद हमारे देश में कोई संज्ञान नहीं हुआ है। बोधसत्व डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज्म स्वीकार किया, उसका क्या कारण था? उन्होंने बुद्धिज्म ही क्यों स्वीकार किया? वो मुस्लिम क्यों नहीं हुए? वो ईसाई क्यों नहीं हुए? वो सिख क्यों नहीं हुए? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार किया और बुद्धिज्म क्यों स्वीकार किया, वो समाज को क्या देना चाहते थे, समाज ने उनसे क्या लिया, इन सारी बातों को लेकर के संज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब समाज का निर्माण या बौद्धों का भिक्षुओं से संवाद नहीं होगा, जब उपासक का धर्मगुरु का संवाद होगा और उपासक भिक्षु की परिस्थिति को समझेगा, भिक्षु उपासक की परिस्थिति को समझेगा, एक दूसरे का पूरक होगा, तब एक दूसरा धर्म आचार जो है समाज के कल्याण के लिए, उनके दुख निवृत्ति के लिए उन्हें एक मार्ग बताएगा जिस मार्ग पर चल करके वो अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपुर।